अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आलियास कुज़िन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन टिक्का बिरयानी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इसको आप ईद की दावत में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, और ये बनाना भी आसान है। तो चलिए इसको किस तरह बनाना है देख लेते हैं। यहाँ पर आधा किलो हमने लिया है बोनलेस चिकन, आप चाहें तो विद बोन भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करना है इसमें गरम मसाला पाउडर, और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा हंग कर्ड, और इसके साथ ही इसमें यहाँ पर एक नींबू का जूस भी ऐड करना है। अगर बड़ा नींबू हो तो आप आधे नींबू का रस इसमें ऐड करिएगा। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर, इससे टिक्का बिरयानी का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में होता है इसी तरह से। तो बस अच्छे से मिक्स करते हैं, और सभी मसाले चिकन पर लगाने के बाद हमें इसको टिक्के का फ्लेवर देना है, तो इसको स्मोक करना है। तो एक जलता हुआ कोयला रखेंगे, इसमें ऑयल या घी इस पर थोड़ा सा डाल करके अच्छे से कवर कर देते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही कवर रहने देंगे इसे। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसको निकाल करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्मोक जो है आना बंद हो गई है, अब हम इसको निकाल करके फ्रिज में रख देते हैं 2 घंटे के लिए। मेरीनेट होने के बाद हम एक कढ़ाई रख देते हैं गैस पर, गैस की फ्लेम ऑन करते हैं। इसमें डालेंगे हम 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें चिकन टिक्का ऐड करते हैं। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, और इसी तरह से हम सभी इसमें पीसेस को अरेंज कर देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद इसको हम पलटेंगे, और इसको पलटते हुए अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसको निकाल लेते हैं हम, और जो ये ऑयल बचा हुआ है इसमें ही हम सभी मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, 2 तेज़पत्ते और 1 टुकड़ा दालचीनी का। इन सभी खड़े मसालों को डालने के बाद हम यहाँ पर 2 बड़ी प्याज को हमने फाइन स्लाइस करके लिया है, इसे भी ऐड कर देते हैं। बिल्कुल फाइन प्याज हमें इसमें चाहिए, और इसके बाद हम इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पर और इसको फ्राई करना है अच्छे से, जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता गोल्डन। तो देखिए यहाँ पर जो प्याज है इसका कलर चेंज होने लगा है, और इसी तरह से हमें गोल्डन कलर चाहिए था। तो थोड़ी सी प्याज इसमें से हम अलग निकाल लेते हैं। अब इसमें 1 बड़ा टमाटर हम चॉप किया हुआ डाल देते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 100 ग्राम इसमें दही ऐड करना है। इसके बाद 2 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। इसको डालने के बाद सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब मसालों को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स, जब तक कि इसका कच्चापन पूरी तरह से दूर नहीं हो जाता। जितने अच्छे से हम मसाले की भुनाई करेंगे, उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी बिरयानी में। तो यहाँ पर देखिए मसाला काफ़ी अच्छे से भुन रहा है, और बिल्कुल लगातार मैंने इसको चलाते हुए भुना है फ्रेंड्स। मसाला जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हमारा दानेदार हो चुका है, और ऑयल जो है पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर मसाला रेडी है हमारा। अब हमने जो चिकन यहाँ पर चिकन टिक्का फ्राई करके रखा था, इसे ऐड कर देते हैं। और इसको ऐड करने के बाद इसके साथ ही हम यहाँ पर 1 मुट्ठी पुदीना पत्ती और 5 से 6 हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, और अब सभी मसालों में अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा चिकन टिक्का जो है बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर भून लिया है इसे। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, चिकन पहले से फ्राई किया हुआ है तो इसे बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें अच्छा सा मसालों का फ्लेवर देना है हमें, तो इसलिए इसके साथ हम तकरीबन 10 से 12 मिनट इसे और कुक करेंगे। इसको हम कवर कर देते हैं, और
बिल्कुल हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेते हैं। 10 से 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा चिकन टिक्का है बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल रेडी है ये बिरयानी के लिए। तो इसको कवर करते हैं, साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने चावल लिए थे तो आधा किलो ही चावल है ये बिरयानी के चावल हैं और इसको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में अच्छे से सोक करके रख दिया था। अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं और पानी ऐड करने के बाद इसमें 2 से 3 तेज़पत्ते ऐड करेंगे, 1 टुकड़ा हम दालचीनी का ऐड करेंगे, 2 से 3 लौंग और 4 से 5 इसमें काली मिर्च ऐड कर देते हैं, 3 हरी मिर्च ऐड की है मैंने। आप तीखा पसंद करते हो तो इसको बढ़ा सकते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देते हैं, इससे जो चावल हैं ये बड़े ही खिले खिले से बनेंगे हमारे। और इसके साथ ही नमक ऐड करेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड करिए जितना आप पसंद करते हो। बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और हमने यहाँ पर ज़्यादा ही पानी को रखना है क्योंकि हमें इसका पानी को ड्रेन आउट करना है। चावलों को हमें 85-90% तक कुक कर लेना है, इसके बाद इसका पानी को हम ड्रेन आउट कर देंगे। यहाँ पर 1 कनी है और चावल हमारे जो है रेडी हैं। पानी को हम ड्रेन आउट कर देते हैं और यहाँ पर बिरयानी को असेंबल कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट लेयर हम चावल की लगाएंगे और इसके बाद हम चिकन टिक्का की लेयर लगा लेते हैं। चिकन टिक्का को हम चावलों पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो लेयरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जितने लेयर लगाना हो आप उसके हिसाब से इसमें लेयर दे सकते हैं। चिकन की लेयर लगाने के बाद हम इसमें ऊपर से पुदीना पत्ती गार्निश कर देते हैं, इससे बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्लेवर आता है फ्रेंड्स बिरयानी में। और अब इसके बाद हम जो चावल हैं बचे हुए इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। तो पूरी बिरयानी को हमें इसी तरह से असेंबल करना है, जितनी लेयर चाहें आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे थोड़ा सा, तो ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, लेकिन इससे बहुत ही अच्छी लगती है बिरयानी, खूबसूरत सी। थोड़े से हम कटे हुए नींबू के स्लाइस और 2 से 3 हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर देते हैं। ऊपर से हम फ्राई की हुई ऑनियन इस पर डाल देते हैं और इसके साथ ही पुदीना पत्ती भी डाल देते हैं थोड़ी सी। और अब अच्छे से कवर कर देंगे हम बिरयानी को। कवर करने के बाद हम गैस ऑन करेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हमें सिम पर रखना है। ऊपर से इस पर हम कुछ भारी वज़न रख देते हैं ताकि अच्छे से स्टीम बन पाए। 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम दम देंगे और 20 से 25 मिनट के बाद जब मैंने इसे खोला ना तो इसमें से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, और इसको आप देख ही सकते हैं इसकी रंगत। माशाल्लाह हमारी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब टेस्ट वाली हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बनकर रेडी है फ्रेंड्स। तो इसको मैंने बहुत ही इजी वे में तैयार किया है। ये ईद के दावत के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए फटाफट से, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर भी कीजिए और ईद पर बनाकर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावत में ये 4 चांद लगा देगी। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की और भी नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरी चैनल से जुड़े रहिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।